आपदाम अपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। मित्रों, आज हम 24वें अध्याय की पावन कथा की ओर चलते हैं। मणिग्रीव ने ऋषि को जो बताया है वही आज बताने मैं भी आपको जा रहा हूँ। उग्रदेव को मणिग्रीव सब कुछ बता करके बोला, हे ब्राह्मण, इस समय मुझ पाप युक्त पर आप अनुग्रह करें। मेरे किसी पूर्व जन्म के पुण्य से ही आप इस वन में पधारे हैं। आप उपदेश रूप पदार्थ से हमको कृतज्ञ करिएगा। आप अपने सुंदर भाव हमारे जीवन की जो मंगल कामना है उसके लिए बताइएगा। आप यहाँ पधारे हैं जिससे मेरा यह तीर्थ दरिद्र क्षण भर में नष्ट हो जाए, अर्थात मेरी जो दरिद्रता है ये दूर हो जाए। मैं अतुल वैभव को प्राप्त होकर मैं स्वेच्छा से विचारूं। उग्रदेव जी बोले, हे महाभाग, तुम कृतज्ञ हुए जो तुमने मेरा आतिथ्य स्वीकार किया, इसी से तुम्हारा कल्याण होगा। बिना व्रत, बिना तीर्थ, बिना दान, बिना परिश्रम तेरा दारिद्र नष्ट हो जाएगा। ऐसा ही मन ने निश्चय किया है और इस मास के आगे तीसरा मास पुरुषोत्तम मास है, इसीलिए तुम दोनों स्त्री और पुरुष यत्न पूर्वक श्री पुरुषोत्तम भगवान का पुरुषोत्तम मास की कथा को करना और प्रसन्नता के लिए दीप दान करना, जिससे तुम्हारा यह दारिद्र मूल रहित मूल महित नष्ट हो जाएगा। इसमें क्या है कि तिलों के तेल से दीप दान करना, ऐश्वर्य होने पर घी से करना, यदि आपके पास धन है तो आप घी से करिए, नहीं धन है तो आप तिल के तेल से करिएगा। और इस समय इस वन में बसते हुए तेरे लिए दूसरा कोई और उपाय नहीं है। अगस्त्य जी बोले, इस प्रकार कहकर के श्रेष्ठ ब्राह्मण दोनों हाथों से मुरली लिए हुए श्री कृष्ण भगवान का स्मरण करता हुआ प्रयाग की तरफ चला गया। 2 महीने व्यतीत होने पर जब पुरुषोत्तम मास का पवित्र प्यारा वह मास आया, तब गुरु भक्ति में तत्पर होकर के दोनों स्त्री और पुरुषों ने उस मार्ग में दीप दान करने लगे। आलस्य रहित वे दोनों ऐश्वर्य के लिए तेल से दीपक जलाने लगे और इसी प्रकार सारा पुरुषोत्तम मास का पूरा महीना व्यतीत हो गया। उग्रदेव की कृपा से अंतःकरण को शुद्ध करके अंत में मरण को प्राप्त हो गया, स्वर्ग को गए और वहां के भोगों को भोग करके उग्रदेव की कृपा से वे दोनों श्रेष्ठ जन्म को प्राप्त हुए। पूर्व जन्म में मृग सिंघा से तुम तत्पर थे और उस समय भी वीर बाहु के पुत्र चित्र बाहु के नाम से विख्यात हुए। इस समय तेरे आधे अंग को हरने वाली जो तेरी स्त्री है वह पति के पुण्य का आधा भाग लेती है। इंदुनी के तेल से पुरुषोत्तम मास में दीपदान करने से तेरा अकंटक राज्य प्राप्त हुआ। जो मनुष्य घी और तेल के तेल से अखंड दीपक जलाता है और जो आज भगवान पुरुषोत्तम की पूजा करता है, पुरुषोत्तम मास के दीपक का ऐसा ही फल है, इसमें संशय नहीं है। उपवासादिकों से पुरुषोत्तम मास का व्रत करे, जितना भी पूजन पाठ यज्ञ अनुष्ठान स्वाध्याय जप तप कथा भागवत प्रवचन हवन पूजन जो भी कर सकते हो वो पुरुषोत्तम मास में करो। भगवान कृष्ण स्वयं आकर के उसको ग्रहण करते हैं और जो भी व्यक्ति करता है भगवान पुरुषोत्तम उसके ऊपर कृपा करते हैं। पुरुषोत्तम मास में यदि आपने पूरे महीने दीपक नहीं जलाया है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। केवल पूर्णिमा के दिन आप दीपक जलाइए, अमावस्या के दिन दीपक जलाइए, भगवान एकादशी के दिन दीपक जलाइए, द्वादशी के दिन दीपक जलाइए, भगवान पुरुषोत्तम उसी दीपक को ग्रहण करते हैं। आपके जीवन में जो कष्ट है, जो लोभ है, जो क्षोभ है, उसको हरण करके आपके जीवन में जो अंधेरा है उस अंधेरे को दूर कर देते हैं, उजेले को लेकर के आते हैं, क्योंकि तुमने पुरुषोत्तम में दीप दान किया है। इस कारण भगवान पुरुषोत्तम की कृपा आपके जीवन में हो। और इसी तरह से इन दोनों ने भी भगवान पुरुषोत्तम का व्रत किया, उपवास किया और पुरुषोत्तम मास का व्रत का पालन किया। फिर
करना ही क्या है। वाल्मीकि जी बोले, इस प्रकार अगस्त जी राजा चित्रबाहु के पूर्व जन्म की कथा को सुना करके सत्कार को प्राप्त हुए, नाथ सहित आशीर्वाद दे करके वहां से अंतर ध्यान हुए। इस तरह से हमने आपको आज 24वें अध्याय की पावन कथा को श्रवण कराया। आगे की दिव्य कथा आगे के प्रसंग में सुनेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय माता दी।